टाइगर 3 की हो रही है क्या धुआंधार कमाई, क्या नहीं चटा पाएगी फिल्म पठान और जवान को लेकिन ये धूल। एनिमल फिल्म का होगा ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, ये जगह हो गई है ट्रेलर लॉन्च के लिए डिसाइड। सलार फिल्म का होगा इस दिन ट्रेलर आउट, फैंस को है ट्रेलर का इंतजार। डंकी फिल्म का ट्रेलर होगा इस दिन आउट, डंकी फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट सामने। स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। शुरुआत करते हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 से, जो कि 12 नवंबर को रिलीज हुई थी और ऐसे में ये फिल्म ठीक ठाक कमाई कर रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या पठान और जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर भी पाएगी या फिर नहीं। एनिमल फिल्म जो कि रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, ऐसे में कहा जा रहा है कि मेकर्स ने बड़ा प्लान बनाया है। जहां पर फिल्म का ट्रेलर एक महीने पहले रिलीज होता है, वहीं पर मात्र एक हफ्ते पहले एनिमल फिल्म का ट्रेलर आउट किया जाएगा। 21, 22 या फिर 23, इन 3 दिनों के बीच में इस ट्रेलर को रिवील किया जा सकता है और ये ट्रेलर दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। सलार फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, एक दिन पहले जो है रिलीज किया जाएगा विदेशों में, 22 दिसंबर को इसे रिलीज कर दिया जाएगा इंडिया में। इस बीच सलार फिल्म का ट्रेलर रिवील होने वाला है, वो भी 1 दिसंबर को 7:19 पर शाम को। ऐसे में सलार का ट्रेलर देख कर पता लगेगा कि क्या होने वाला है आखिरकार अब इस फिल्म में। डंकी फिल्म का ट्रेलर होने वाला है आउट, जी हाँ, डंकी फिल्म के ट्रेलर को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेलर होगा ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा और यहाँ पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से धमाका कर सकती है। यानी कि जो शाहरुख खान का करियर है साल 2023 में बढ़िया ही चलने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।